नीट एग्जाम में कई छात्रों ने टॉप किया है। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिनके पिता मजदूर है, पूरा संघर्ष करके अपने बेटे को पढ़ाया, यहाँ तक कि उनको बीमारी थी भयंकर, उसके बावजूद भी उस परिवार ने यह ठान ली थी कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है और उसी के लिए संघर्ष किया और बेटे को कोटा भेजा और बेटा 4582 रैंक आया, वहीं SC में वो 65वीं रैंक आया है। हमारे साथ है, उनके घर में खुशियों का माहौल है, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनका सफ़र अब तक कर रहा है। सबसे पहले तो उस दिन रात को नींद आई थी जिस दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था? बिल्कुल भी नहीं, सोच रहा था क्या होगा कल और देखते हैं क्या रैंक रहेगी वगैरह वगैरह, बहुत तो मतलब सोच रहा था रिजल्ट के बारे में। फिर मैं थोड़े दिन ही पहले ही कोटा से घर पर आया था एम्स का एग्ज़ाम देकर और ठीक, फिर उस दिन भी ठीक मज़ा नहीं आया। रिजल्ट मतलब आने के बाद हम खुशियाँ मना रहे थे और सोच रहे रिजल्ट वाले दिन पूरा दिन कितना गया, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था जैसे टाइम था 3-4 बजे के आसपास होगा तो पूरा दिन बड़ा यूँ। फिर मैंने दोपहर को छोड़ दिया, मैं होगा सो देखा जाएगा, अब तो सोचने मतलब उसके रिजल्ट जो आना है वो तो आएगा ही। फिर मैं दोपहर को आराम से सो गया, फिर मेरे को रिजल्ट आएगा तो शाम को देख लूँगा। फिर शाम को मैंने 4-5 बजे रिजल्ट देखा तो मेरे 4582 रैंक ऑल इंडिया AIR आई थी और SC कैटेगरी में 65 रैंक हासिल की। अच्छा, कितना संघर्ष करना पड़ा क्योंकि आपके फादर मजदूरी करते हैं, उनको बीमारी भी है, पैसों की भी किल्लत होगी, लेकिन आपको कितना संघर्ष पड़ा और आपके घर वालों ने आपको पैसा वहाँ पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष किया? बहुत, इस बारे में आपको क्या बताऊँ कि बहुत ही मतलब पूरी फैमिली में अब सोच रहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे, कहीं कहीं से पैसे किए उधार लिए और मैं गया फिर कोटा, सोच रहा था कि एक साल है अब मेरे पास चांस यही है, इसमें कुछ करना है तो यही चांस है, इसमें करना है। फिर मेरे पापा जी से बोला कि 12th एग्ज़ाम के बाद सीधा मैं यहाँ से कोटा निकल गया क्योंकि एक साल तैयारी करूँगा तो हो जाएगा अच्छे से, देखता हूँ। फिर मैं वहाँ गया कोटा LN में एडमिशन लिया और वहाँ से फिर स्टडी की कंटिन्यू 6-7 और डेली पढ़ता था मैं और क्वेश्चनिंग करता था अपने फ्रेंड्स से, थोड़ी हेल्प से उनसे मिली और वो मेरे को मोटिवेट करते थे कि आगे हमें कैसे और कुछ अच्छा नया करना है। अच्छा, क्या टिप्स है, कितने घंटे पढ़ाई करते थे और बाकी लोगों के लिए जो बच्चे ये एग्ज़ाम अब देने वाले हैं उनके लिए क्या टिप्स है? टिप्स तो हम यही कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी, मतलब ये पूरे साल जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। कंटिन्यूटी मतलब पूरे साल जो एग्ज़ाम अभी से लेकर जब तक एग्ज़ाम आए तब तक पूरी डेली पढ़ो और NCERT, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि NCERT के ऊपर फोकस दो और बायो तो 90 क्वेश्चन में 85 एटलीस्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं NCERT से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, डॉक्टर बनने के बाद में सबसे पहला क्या सपना है, किसके लिए, समाज के लिए, अपने घर वालों के लिए, अब बाकी लोगों के लिए, किसके लिए क्या सपना है? मैं पहले तो फैमिली, फिर समाज, इंडिया पूरे, मतलब मैं बहुत कुछ करके इंडिया कुल मिला के हमने इंडिया को ही एक अलग मतलब पहचान की तरफ उभारना चाहता हूँ, कुछ मतलब नया करना चाहता हूँ बस। अच्छा, ये अब उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि कैसे कितनी खुशी हुई उस दिन रात को, आपको भी नींद नहीं आई होगी, बच्चे का रिजल्ट आया था, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे आप उस दिन? रिजल्ट बहुत खुशी हुई, मुझे फ़ोन आया था इसका, मेरा रिजल्ट आ गया है तो मैं आ रहा हूँ, घर काम पड़ता मैं लगा हुआ। क्या काम करते हैं आप? घड़ी का काम करता हूँ, पत्थर की। अच्छा, उसके बाद में आप इसको पढ़ाने के लिए आपने कितना संघर्ष किया, आपने भी बहुत संघर्ष किया। मेहनत तो करनी पड़ती है, इसलिए भी मेहनत करता था मैं भी, इधर उधर भाग कर इधर पैसे उधर करके जो कोटा भेजा। पैसे बहुत लगे होंगे? अब पैसे लगभग इतने लगे, 1,00,000 रुपये फीस है, लगभग 10,000 रुपये महीने के भर लगते हैं, खाने पीने के, रहने के, वो भी लगे। बच्चे पे भरोसा था पूरा आपको? पूरा विश्वास था। अच्छा, अब क्या सपना है? ये डॉक्टर बन जाए और समाज की सेवा करे, राष्ट्र हित में काम करे। अच्छा, इसकी मदर भी है, उनसे भी जानते हैं कि क्या है, आपको कितना अपने बच्चे पे भरोसा था और कोटा भेजना, मतलब आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तब? नहीं। तो कितना भरोसा था अपने बेटे पे? बहुत भरोसा था कि ये पढ़ लेगा, कुछ बड़ा बन के कुछ करेगा। अच्छा, अब आपका क्या सपना है बेटे के लिए? हम तो ये कहते हैं कि गरीबों की सेवा ही करना, आशीष ही लेना सबसे, दया भाव ही रखना मन में, ये सिखाते हैं हमको। ज़्यादा पैसा साइज नहीं कि भाई भेड़ा तो ले जाना है कौन पैसा, सब आशीर्वाद है मोटो प्रेम। तो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आपको भी रात को नींद आई थी? आई थी क्या? हाँ। या भगवान से प्रार्थना कर रहे थे? भगवान से प्रार्थना तो रोज ही करता। अच्छा, ये संघर्ष भरी कहानी थी, इनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चा
पढ़ गया, डॉक्टर बन जाए और समाज की सेवा करे, खास तौर से गरीबों की। ये संघर्ष भरी कहानी है एक मजदूर की जिसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे उधार लिए, दिन रात मजदूरी की। दिनेश बोहरा, बारमेर।